पीछे हो थोड़े हाथ और पीछा कर रहा हूँ पलो देना चाहूँगा अगर बहुत इसका कम से कम इसका अच्छा लगता है ना उसको बात करने के हमारी बहन है हम भी कहेंगे कि वो शायद उसकी तरफ से क्या ना क्या हो लेकिन ऐसा दोबारा ना हो हमारे हॉस्पिटल साहब मेरे सामने मैंने कई बार बताया इस हॉस्पिटल के इस तरह की मुसीबत से काफी निकल गई है मैं ये कहना चाहूँगा जब तक आप प्राइवेट क्लिनिक को ज्यादा तरजीह देना आप मिला तब तक ही रहेंगे हम कुछ नहीं कहेंगे आप हम ये कहना चाहेंगे कि कहाँ का डच डॉक्टर ने आपको बताना इस तरह का काफी इलाज हो रही है अक्सर सोच मैंने आपसे गुजारिश की आपने हाथ में जाने नहीं दिया पहले तो यहाँ पर जब डेथ से पहले 20 मिनट पहले यहाँ बताया गया थोड़ा साइड हो जाए ये बड़े अफसर है ये फार्मल बोला है इनको इनफार्मल ऐसी बात थी कि नहीं हम भी ये नहीं कह हमने ये कहा कि एक घंटे से कोई आदमी इनकी जगह डॉक्टर ही कोई आ जाता इनको कहता है जिस तरह ये बोले हमें एक सफाई वाले के अलावा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं किसी ने ये नहीं यार इस तरह डेथ हुई है कब कब गरीब लोग हैं मजबूर लोग हैं अक्सर मैं इनके पास बार बार शिकायत करता हूँ निजाम को सुधारने में वक्त लगेगा इस हॉस्पिटल की आदत खराब है आप हमें जी कल 7 बजे जनाब अली यहाँ आके एडमिट की थी बीमार बच्ची थी डिलीवरी केस था सर बात ऐसे है कि यहाँ डॉक्टरों ने बिल्कुल उसका कोई पता नहीं लगाया कि बच्चा ठीक है जिंदा है या कि मुआ है आज 7 बजे जिस वक्त वो बिल्कुल ख़त्म होने पर आए ऑपरेशन थिएटर में लेके वहाँ से हमारे को डेड बॉडी दे दी फोन बस करके हम फोन लेके पहुँचे तो वहाँ से डेड बॉडी हमारे को कोई CMO नहीं मिला था ना कोई डॉक्टर मिला था ना हमारे पास कोई आया सब डॉक्टर छुपे हुए सब इस वक्त तक हमारे पास कोई नहीं आया ऑपरेशन थिएटर पीछे ये इसको डेड बॉडी को बाहर करके ले चलो ले चलो एम्बुलेंस लगी है लगी है लगी है लगी है लगी ले चलो ले चलो ले चलो हम रखाते हैं आपकी हिम्मत करते हैं ये करते पकड़े हमारे को देख के यहाँ आए यहाँ ज़बरदस्ती हमने ये सिटी चले रोड पहले बच्चा मुआ हुआ निकले बच्चा मुआ हुआ ऑपरेशन में यहाँ निकाला तो इन बच्चा पहले मरे हुआ था जेड़ी औलाद चली नहीं है कुछ नहीं है लेकिन मेरे को ये दुख है कि इनको पता नहीं चला कि बच्चा हुआ या नहीं है 24 घंटे में जनाब ली इनको कोई पता नहीं ना कोई अल्ट्रासाउंड करी ना उसका कोई इलाज किया ना कोई चेक किया ना कुछ ना कहा खाली टिके लगाते रहे ठीक हो जाएगा पैसे मंगने कुड़ियाँ सारियाँ जनाब ली 5,000 रुपये एक मंगनी है 2,000 रुपये एक मंगनी है उस बाद जनाब ली बच्चे देने अगर नहीं होगा बच्चा के पैसे देने होगा देने को कोई नहीं पैसे मेरा बच्चा है हूँ दो आधे घंटे पहले अंदर रखे जनाब ली मेरे को 2,000 रुपये इन्होंने ले लिया जी 2,000 रुपये दे मैं हूँ मैं बना मैं पसंद की 2,000 रुपये दे बच्चे मेरे आधा घंटा बाद में दिता किस जगह 2,000 रुपये ए हूँ पर लेबर रूम में किसी ने 2,000 रुपये लिखा डिलीवरी ना डिलीवरी ना डिलीवरी ने पैसे पे मेरे को 2,000 रुपये हूँ लेना तुझने कुछ नहीं बच्चा होया बच्चा मेरे बच्चा मेरी मेरी मैं देखो आर के मेरे भी नहीं मैं होता है मेरे 5-6 कुड़ी और भी आना अंदर अंदर लेबर रूम में वो सारी कह रही 2,000 रुपये है ही नहीं गरीब आदमी है ले भाई बच्चे तो दे दे बात दे सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पहुंचा है। अफसोस इस बात का है कि आए रोज़ यहाँ पर जो है मरीज़ आता है, उसकी लाश वापस जाती है। ये बदकिस्मती की बात है हमारी, और हमारे लिए ये एक शर्म की बात है कि हम कई सालों से इस हॉस्पिटल में निज़ाम को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम दुरुस्त होने के बजाय यहाँ दिन ब दिन जो है वो मौतें हो रही हैं, और ये हॉस्पिटल जो है ये मौत का एक कुआं बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैंने कई बार ये बात की, मौत मेरे रब के हाथ में है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इनकी डेथ जब हुई थी, काज ऑफ डेथ यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब को, यहाँ के डॉक्टर साहब को बताना चाहिए था, और इन लोगों को जो डेड बॉडी ले जानी थी। आप देखते होंगे कहीं से भी आप यहाँ पे लाएं, इस हॉस्पिटल का निज़ाम बिल्कुल ही ख़राब है। ये आज से नहीं है, ये 3-4 सालों से यही निज़ाम है। हालांकि मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से भी कई बार रब्ता किया कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, यहाँ के डॉक्टरों को जो है बजाय वो प्राइवेट बैठते हैं, प्राइवेट ज़्यादा तरजीह मजदूर अपने बीमार लोगों को देते हैं, अपने जितने भी बीमार लोग आते हैं दूर दराज से, उससे बेहतर है कि हॉस्पिटल में भी कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं होता चेक कराने के लिए, अब या तो इसी को प्राइवेट कर दें, पूरे हॉस्पिटल को निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, तो फिर भी हम चंदा करके किसी का कोई इलाज कराएं। इतनी हालत ख़राब है, मैं समझता हूँ कि हमने बार बार गुजारिश की, हम अगर कोई बात कहें तो डिलीवरी था कल 7 बजे का करीब इनको लाया गया, उसके बाद इनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए था जिस तरह ये बता रहे हैं। अभी तक जो निज़ाम हॉस्पिटल का है, मैं ये समझता हूँ काज ऑफ डेथ अभी तक किसी ने नहीं इनको बताया कि कैसे हो, और फिर 20 मिनट पहले खून मांगा जाता है, 20 मिनट के बाद कोई खून लेके जब आते हैं तो अगर डेड बॉडी आती है। तो मैं ये समझता हूँ ये निज़ाम दुरुस्त किया जाए। डिप्टी कमिश्नर पूंछ से ये बात कही है, और इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी कराने की मैं बात करूँगा जब स्टूडेंट भी आएगा। अफसोस की बात है कि ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कितनी पब्लिक है, मतलब ये पब्लिक को कितना बेवकूफ, ये लोग लाखों में तनख्वाह लेते हैं। तो फ्री साहब, अभी तक देखा जा रहा है कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ का मेंबर यहाँ नहीं नजर आ रहा है? कोई नहीं, एक सफाई वालों के अलावा यहाँ पे कोई डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है जो इनसे बात कर सके, जो इनकी बात को सुन सके, जो इनको ये कह सके कि काज ऑफ डेथ ये है, आप इस इंसानियत के नाते आप बॉडी को उठाओ, एम्बुलेंस पे रखो या ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब लोग इतने परेशान हैं, मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम दुरुस्त होने वाला नहीं है। तो मेरी आम लोगों से भी गुजारिश है, यहाँ के जो DDC हैं, BDC हैं, वो लोग भी इस पर आवाज़ उठाएं कि कब तक ये मौत का कमा रहेगा, कब तक इसकी हालत जो है वो खस्ता रहेगी। हमें बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं हमारे बीमार लोग, लेकिन वो यहाँ से डेड बॉडियाँ ही जाती हैं। मैं तो 3 सालों से ये आवाज़ उठा रहा हूँ, तो यही मेरी गुजारिश होगी कि इसके निज़ाम को सुपरिटेंडेंट साहब, यहाँ के CMO साहब, मैं डिप्टी कमिश्नर को उनसे बात भी की, और मैं गुजारिश करता हूँ कि निज़ाम को फौरी तौर दुरुस्त किया जाए। यह नहीं कि यहाँ कोई आला ऑफिसर ही आए तो उस वक्त यहाँ की सफाई भी अच्छी हो, यहाँ का जो निज़ाम भी है वो अच्छा हो। लोग तो ब्लेम लगाएंगे, जिनका बंदा नुकसान हो गया तो उनको तो ब्लेम लगाने का हक है। मैंने तहकीकात की है, ये लेडी जो है कल शाम को आई थी यहाँ पे, और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उसने इसको एडमिट किया, ये डिलीवर होने वाली थी, उसने रात भर इसको रखा इसलिए कि इसको उतने दर्द नहीं थे जितने डिलीवर होते हैं, और सुबह जब उसकी 10 बजे ड्यूटी खत्म होगी तो उसने दूसरी लेट डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया कि आज दिन को डिलीवर हो जाएगी, और इसको क्योंकि पहले भी नॉर्मल डिलीवरीज घर में हुई हैं इसलिए उनने ऑपरेशन का सोचा ही नहीं था कि हम इसको ऑपरेशन करेंगे, तो पूरा दिन इसको दर्द होते रहे और नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी लेकिन बच्चे का सर जो है वो आके अटक गया और प्रोग्रेस नहीं हुई, तो लास्ट में उन्होंने फैसला किया कि हम इसका ऑपरेशन ही करेंगे। तो जब ऑपरेशन किया तो पेट जब खोला तो देखा उसकी बच्चेदानी ऑलरेडी फटी हुई थी और बच्चे की डेथ भी हो गई थी और काफ़ी खून निकला हुआ था। हमने ब्लड बैंक से 1 पॉइंट ब्लड भेजा भी था, वो लगा के भी इस पेशेंट को नहीं बचा। देखिए मुझे यहाँ 2.5 महीने हो चुके हैं एसिडेंट, और किसी बंदे ने मेरे आगे ऐसी शिकायत इससे पहले नहीं की है जी। अब मीडिया को देख के वो लगे शिकायत कर रहे हैं, अगर मेरे पास किसी ने राइटिंग कंप्लेंट की होती तो मैं उसकी तहकीकात करता, और आज इन्होंने कंप्लेंट की है तो मैं इसकी तहकीकात करूँगा और मैं दूंगा कौन पैसे मांगता है और क्यों मांगता है, और ये जो डेथ हो गई है इसकी भी मैं पूरी इंक्वायरी करके देखूंगा, अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो उसको सजा दी जाए। सर आने वाले टाइम में ऐसे काम ना हो तो उसके लिए आप आज से कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके लिए ऐसा है कि मैं इंक्वायरी करके जो भी इसमें अगर किसी गलती आती है तो उसको वार्निंग दी जाएगी, और अगर वार्निंग के बाद भी हम देखेंगे कि लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास ऐसे कानून है कि हम जो आदमी हमारी बात नहीं सुनेगा उसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, सैलरी बंद कर सकते हैं, जो भी सजा देनी है वो देंगे, ऐसा नहीं कि कोई गलतियां करता रहेगा आप आशा देखेंगे, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें सुधार लाने की कोशिश करें। खास नहीं मानता हूँ इसलिए कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल जो है वो मैं ही कहता हूँ कि देना चाहिए, क्योंकि हमारा सीजर रेट बहुत ज़्यादा है। जम्मू से जब भी टीम आती है तो कहती है कि आपके सीजर ज़्यादा क्यों हो रहे हैं,
गाइडलाइन में यह है कि अगर 10 डिलीवरियाँ होती हैं उसमें 8 नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और 2 सीजन होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 10 डिलीवरी में से 4-5 सीजन हो जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है ज़्यादा सीजन करना। हमने ही इनको रिएक्शन दिया कि नॉर्मल की ट्राई करो, तो इन्होंने अगर नॉर्मल की ट्राई की है तो कोई गलत नहीं किया है, तो इसकी फिर भी मैं तहकत करूँ, मैं एक्शन लूँगा। हमने देखना है कि अगर किसी की गलती है तो सुधार दी जाएगी, और अगर गलती नहीं है तो फिर कोशिश करते करते अगर किसी पेशेंट की मान लो उसकी बच्चेदानी फट जाती है तो उसमें डॉक्टर को किसी और नहीं माना जाता है, इसलिए कि नॉर्मल ट्रायल देना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ऑपरेशन काम हो और ज़्यादा लेडीज़ जो हो नॉर्मल डिलीवर हो जाए करें जैसे बाकी हॉस्पिटल में।